السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا محترم صدر اجلاس حضرات علماء کرام محترم بزرگو نوجوان بھائیو प्यारे बच्चों, आज का मौजू है शिर्क क्या है, व्हाट इज पॉलीथीज्म। आइए पहले शिर्क का लुगवी माना समझ लें। अल्लाह ताला ने सूरह सबा के अंदर इरशाद फरमाया, قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير। इंतहाई प्यारी बात कही गई है कि किसी मामले में किसी का अमल दखल तीन तरीके से होता है। किसी मामले में किसी चीज में किसी का अमल दखल तीन तरीके से होता है। एक तो ये कि उस चीज का वो मुकम्मल मालिक हो, यानी मुस्तकिल मिल्कियत या मालिकियत की हैसियत से उसका मुस्तकिल मालिक हो। दूसरे, मालिक तो ना हो, उस चीज में उसका पार्टनर हो, शरीक हो। और तीसरे, ना मुस्तकिल मालिक हो ना शरीक हो, बल्कि मददगार की हैसियत से हो, सपोर्टर हो, मददगार। किसी मामले में किसी चीज में अमल दखल की यही तीन शक्लें, चौथी कोई शक्ल नहीं। और इस आयते करीमा में अल्लाह तबारक व ताला ने इन तीनों शक्लों की नफी गैरुल्लाह से कर दी। इसको और वादे तरीके से समझे, एक कंपनी है, अब एक शख्स उस कंपनी का मुस्तकिल मालिक है, यह है पहली शक्ल, मुस्तकिल मालिकियत की हैसियत से कंपनी का
अकेला मालिक। दूसरी शक्ल, पूरी कंपनी चलाने की ताकत नहीं थी, चंद लोगों को भी शामिल कर लेता है, 10 लाख मैं दे देता हूं, 10 लाख तू दे दे, 10 लाख तू दे दे, 10 लाख तू दे दे, इस तरह वो शख्स कई लोगों को उस कंपनी के अंदर हिस्सेदार मुकर्रर कर देता है, ठहरा लेता है। ये है शिर्क, शिरकत, पार्टनरशिप। और तीसरे, उस कंपनी का वो मुस्तकिल मालिक भी नहीं है, उसका हिस्सेदार भी नहीं है, हां वहां वर्कर की हैसियत से काम कर रहा है कि अगर वो स्ट्राइक कर दे तो कंपनी बंद हो जाए। अल्लाह ताला ने इन तीनों चीजों की नफी कर दी है, फरमाया आप कह दीजिए कि जिनको अल्लाह के अलावा तुमने माबूद समझ रखा है, इनका हाल तो यह है कि ला यमलिकून मिस्काल ज़र्रतिन फिस समावाति वला फिल अर्ज़, जमीनों में और आसमानों में ये किसी चीज के मालिक नहीं है, ये मिल्कियत की नफी है, मालिक ही नहीं है, मिल्कियत की नफी होगी। दूसरे, ओमालहुम फीहिमा मिन शिर्क, ना इस कायनात में उनकी कोई शिरकत है और ना ये तो अल्लाह तबारक व ताला के सपोर्टर हैं, मददगार हैं। तो किसी भी अम्र में, किसी भी चीज में अमल दखल की जो ये तीन शक्लें होती हैं, इन तीन शक्लों की नफी इस आयत करीमा में कर दी गई। ना मुस्तकिल मालिक है कोई किसी चीज का, ना उसकी मिल्कियत में कोई शरीक है, ना उसकी मिल्कियत और उसके मुल्क के अंदर उसका कोई मददगार है, कोई सपोर्टर है। तो शिर्क का मतलब समझ में आया, मुकम्मल मालिक तो नहीं है कंपनी का, किसी और को भी उसने शामिल कर लिया है। तो एक नहीं दो हो गए, और दोनों यकसा हैसियत रखते हैं उस कंपनी को चलाने के लिए। ऐसा मामला इस कायनात में नहीं है। तो शिर्क का मतलब समझ में आ गया, कुरान हकीम ने शिर्क का लुगवी मफहूम मुतय्यन किया, पार्टनरशिप। अच्छा, इसका इस्तेलाही माना क्या है, आइए वो समझाते हैं। शिर्क की दो किस्में हैं, शिर्क फी जात और शिर्क फी सिफात। शिर्क फी जात किसे कहते हैं, उसको एक जुमले में याद कर लो, किसी को अल्लाह से, किसी को अल्लाह से और किसी से अल्लाह को ठहराना, ये शिर्क फी जात है। नहीं समझे, किसी को अल्लाह से और किसी से अल्लाह को ठहराना, ये शिर्क फी जात है। को और से याद रहे तो आप जुमला बोल ले जाएंगे, जैसे अल्लाह ने फरमाया लम यलिद वलम यूलद, वो ना तो किसी का बेटा है, बेटा अगर हो तो किसी से होगा, यानी बाप होना चाहिए उसका, तो वो किसी से नहीं, यानी उसका कोई बाप नहीं, और उससे कोई नहीं, यानी उसका कोई बेटा नहीं। लम यलिद वलम यूलद, ना उसका कोई बेटा है और ना वो किसी का बाप है, ना उसको किसी से ठहराया जा सकता, ना उससे किसी को ठहराया जा सकता। अगर ठहराया जाए तो ये शिर्क फी ज़ात है, दो माबूद हो जाएंगे ना, बाप भी माबूद, बेटा भी माबूद। और अल्लाह ने फरमाया वकाल अल्लाहु ला तत्तखिदु इलाहैन इस्नैन, तुम लोग दो खुदा के कायल मत बनो, दो खुदा मत बनाओ, दो माबूद मत बनाओ। और बना भी लो तो अल्लाह का इसमें क्या बिगड़ता है, क्या बिगड़ता है? एक बात बोलूं,
एक है इल्हाद और एक है शिर्क। शिर्क करने वाले को मुशरिक कहते हैं और इल्हाद करने वाले को मुलहिद कहते हैं। समझ में आया? दोनों में फर्क क्या है, इल्हाद में और शिर्क में, मुशरिक में और मुलहिद में? मुशरिक खुदा को मानकर, अल्लाह को माबूद मानकर मखलूक परस्ती का इर्तिकाब करता है, और मुलहिद खुदा का इनकार करके मखलूक परस्ती का इर्तिकाब करता है। दोनों में जौहरी एतबार से कोई फर्क नहीं, नतीजे के एतबार से कोई फर्क नहीं। एक अल्लाह को माबूद मानकर मखलूक परस्ती का मुर्तकिब होता है, और एक अल्लाह का इनकार करके मखलूक परस्ती का मुर्तकिब होता है। इल्हाद में और शिर्क में देखा जाए तो कोई जौहरी फर्क नहीं है, नतीजे के एतबार से दोनों बराबर है। और जिस तरह मुलहिद ये कहता है कि इस कायनात में कोई इलाह नहीं, तो उसके मानने से क्या खुदा मादूम हो जाएगा? और कोई ये कहे कि माबूद बरहक के अलावा कोई और भी है माबूद, तो उसके इस मानने से दूसरा माबूद हो जाएगा? उस जिस तरह उसके इनकार से इलाहे वाहिद मादूम नहीं होता, ऐसे ही किसी को अल्लाह का शरीक ठहराने से अल्लाह का कोई शरीक नहीं हो जाता। समझ में आता ही? तो इल्हाद का मतलब भी समझ में आ गया और शिर्क का मतलब भी समझ में आ गया, और मुल्हिदीन और मुशरिकीन के दरमियान एक जौहरी फर्क जो था वो समझ में आया, और नतीजे के एतबार से मालूम हुआ कि दोनों में कोई फर्क नहीं। तो शिर्क फिज़ात का मतलब समझ में आया, अच्छी तरह समझ लो। किसी को अल्लाह से किसी को मानना, बालफा दे दीगर, यह कहना वो किसी का बेटा है, यह कहना कि वो किसी का बाप है, यह शिर्क फिज़ात है। शिर्क फिर सिफात किसको कहते हैं? जो सिफात जिस मफहूम में, गौर से, जो सिफात जिस मफहूम में अल्लाह के लिए मुस्तामल हैं, उन सिफात को उसी मफहूम में गैरुल्लाह के लिए तस्लीम करना, यह शिर्क है। शिर्क फिर सिफात है। अब आप ये कहेंगे कि वो जो आपने कैद बढ़ाई है, जो सिफात जिस मफहूम में अल्लाह के लिए मुस्तामल है उन्हीं मफहूम में गैरुल्लाह को मानना, गैरुल्लाह के अंदर वो सिफात मानना, ये शिर्क फिजात है, शिर्क सिफात है। इसमें ये जो कैद बढ़ाई, ये बच्चों को यहां से हटा दीजिए, जरा डिस्टर्ब कर रहे हैं बच्चे, मेरा ख्याल है कि हटा दीजिए, आप लोग आगे आ जाओ तो अच्छा है, ये बच्चे डिस्टर्ब कर रहे हैं, हटा दो यहां से, हटा दो बच्चों को यहां से, और आप लोग आगे आ जाओ तो अच्छा है, थोड़ा सा आगे आ जाओ आप लोग तो समझाने में अच्छा, ये बच्चों को हटा दो यहां से, हटा दो बच्चों, थोड़ा सा आगे आ जाओ, जी बिल्कुल मुतवज्जे हो जाइए, बिल्कुल मुतवज्जे, सेंटर ऑफ अटेंशन में ही होना चाहिए इस पूरी तकरीर के अंदर। तो जो सिफात जिस मफहूम में अल्लाह के लिए मुस्तामल है वही सिफात उन्हीं मफहूम में किसी गैरुल्लाह के अंदर मारना, यह शिर्क की सिफात है। जैसे कभी कभी कुछ सिफात हम जो अल्लाह के लिए बोलते हैं वही सिफात हम इंसानों के लिए भी बोल देते हैं। जैसे अल्लाह की एक सिफत है हकीम, है ना, अल्लाह की एक सिफत है ना हकीम। अब अल्लाह को हकीम मानने के साथ साथ, अल्लाह को हकीम कहने के साथ साथ एक डॉक्टर को भी हम कह देते हैं हकीम है, तो क्या यह शिर्क है? नहीं नहीं, यह शिर्क नहीं है। देखिए, वही सिफत जो अल्लाह के लिए है वही सिफत हमने एक गैरुल्लाह के लिए इस्तेमाल की, तो क्या यह शिर्क है? नहीं, इसलिए के
یہ صفت حکیم کی جب ہم اللہ کے لیے بولتے ہیں تو اس کا ایک خاص مفہوم ہوتا ہے، اور جب ہم اس کو غیر اللہ کے لیے بولتے ہیں تو اس خاص مفہوم سے اس صفت کو، اس انسان کو الگ کر لیتے ہیں۔ اگر جس معنی میں، جس مفہوم میں ہم اللہ کے لیے صفت حکیمی مانتے ہیں، بین ہی اسی مفہوم میں اگر کسی غیر اللہ کے لیے وہ صفت تسلیم کر لی جائے، یہ شرک ہے۔ تو گویا شرک فی صفات کی تعریف یہ ہوئی کہ جو صفات جس مفہوم میں اللہ کے لیے مستعمل ہیں، اسی مفہوم میں غیر اللہ کے لیے اس صفت کو استعمال کرنا، یہ شرک فی صفات۔ تو بنیادی دو قسمیں ہوئیں شرک کے، شرک فی ذات اور شرک فی صفات۔ اب شرک فی صفات کی چار قسمیں ہیں۔ پہلے دو قسمیں شرک فی ذات اور پھر شرک فی صفات کی، پھر شرک فی صفات کی چار قسمیں ہیں: شرک فی العلم، شرک فی التصرف، شرک فی العبادہ اور شرک فی العادہ۔ یہ چار قسمیں ہیں شرک کی۔ شرک فی العلم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ یہ ماننا کہ اللہ عالم الغیب ہے، غیب کا عالم ہے تو کوئی اور بھی عالم الغیب ہے، یہ شرک فی العلم ہے۔ اس طریقے کا عقیدہ رکھنے والا آدمی مشرک ہے۔ اور دلیل میں میں وہ حدیث آپ کے سامنے رکھ دوں تو بات اور واضح ہو جائے۔ حدیث اس طرح: وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت من حدثك ان محمدا راى ربه فقد كذب وهو يقول لا تدرك الابصار ومن حدثك انه يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول لا يعلم الغيب الا الله، رواه البخاری في كتاب التوحید۔ بخاری حدیث پاک کو ایسے کتاب التوحید کرنے لائے، اس روایت کو کتاب التوحید میں لا کر کے حضرت امام بخاری یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جو آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے علاوہ نبی کو بھی یا کسی اور کو غیب کا علم ہوتا ہے، وہ آدمی اپنے توحید کے اوپر نظر ثانی کرے، اس کی توحید کر بڑھے، ایسا آدمی مشرک ہے۔ اسی وجہ سے اس کو کتاب التوحید میں لائے گئے۔ تو یہ شرک فی العلم ہے۔ دوسری قسم ہے شرک فی التصرف، یعنی جس طرح اللہ دیتا ہے اسی طرح بندہ بھی دے سکتا ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا یحب لمن یشاء اناثا ویحب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء وقیما۔ اللہ ہی ہے جس کو چاہے بیٹا دے، جس کو چاہے بیٹی دے، جس کو چاہے بیٹا بیٹی دونوں دے، جس کو چاہے بیٹا بیٹی دونوں نہ دے، بانج بنا دے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے، صفت تصرف، بیٹا دینا، بیٹی دینا، بیٹا بیٹی دونوں دینا، دونوں سے محروم کر دینا، یہ صفت تصرف ہے جو اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اب اگر کوئی یہ سمجھے کہ فلاں آدمی بھی بیٹا دینے پر قادر ہے چاہے زندہ یا مردہ، تو ایسا آدمی شرک فی التصرف کا مرتکب ہے، ایسا آدمی مشرک ہے، بخشا نہیں جائے گا۔ تو پہلی قسم تھی شرک فی العلم، علم کے اندر شرکت، اور دوسری تھی شرک فی التصرف۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا گیا ہے میرے حبیب آپ اعلان کر دیجئے، اور آپ نے اعلان کیا سورہ جن کے اندر قل انی لا املک لکم ذرا ولا رشدا، آپ کہہ دیجئے، یہ اللہ کہہ رہا ہے اپنے نبی سے، آپ کہہ دیجئے میں نہ تو کسی نقصان کا مالک ہوں اور نہ کسی نفع کا مالک ہوں۔ دیکھیں نفی کر دی گئی، قل انی لا املک لکم ذرا ولا رشدا، میں مالک نہیں ہوں نفع اور نقصان کا۔ اب اگر کوئی یہ کہے صاحب آپ بیٹی دے دیں، آپ بیٹا دے دیں، بیٹا بیٹی دونوں دے دیں، حضرت گویا آپ اس کو مالک سمجھ رہے ہیں اس کا، نفع اور نقصان کا۔ جب نبی سے یہ کہلوا دیا گیا کہ آپ کہہ دیجئے انی لا املک لکم ذرا ولا رشدا، میں کسی نفع، اور
उलमा बैठे हुए हैं, और जो अरबी ग्रामर जानता है उसको अच्छी तरह मालूम है कि अगर नकेरा तहतन नफी आए तो उमूम का फायदा देता है। अब देखिए, अब कुल इन्नी ला नहीं, ये लफ्ज़े नफी है, ला अम्लिकु लकुम ज़र्रन नकेरा रशदन नकेरा, और नकेरा अगर तहतन नफी है तो उमूम का फायदा, यानी मैं किसी भी किस्म के नफा का मालिक नहीं और किसी भी किस्म के नुकसान का मालिक, नफी कर दिए। क्या अंदाज़े बयान है कुरान हकीम का, नफी कर दी गई मुकम्मल। अब बताइए, जब नफी से यहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि आप नफा नुकसान के मालिक नहीं हैं, तो बताइए कोई और कितना भी बड़ा वली क्यों ना हो, वह नफा नुकसान का मालिक क्यों, कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है? तो ये शिर्क फी तसर्रुफ है, और एक है शिर्क फिल इबादा, इबादत के अंदर शरीक करना, जैसे रुकू अल्लाह के लिए, किसी गैरुल्लाह के लिए नहीं हो सकता, सजदा अल्लाह के लिए इबादत है, किसी गैरुल्लाह के, नमाज अल्लाह के लिए, किसी गैर के लिए नमाज नहीं पढ़ सकते आप, नजर व नियाज अल्लाह के लिए, किसी गैर के लिए नहीं हो सकता, ये शिर्क फिल इबादा है। अगर कोई आदमी ऐसा करता है तो अल्लाह की इबादत में शरीक करता है। और एक है शिर्क फिल आदा, शिर्क फिल आदा। अब आप यहां ठहर कर एक बात और जान लें, शिर्क फिल इल्म का मतलब तो समझ में आया कि अल्लाह आलिमुल गैब है, कोई और भी आलिमुल गैब है, ये शिर्क फिल इल्म है। अल्लाह बिगड़ी बनाता है, बनी को बिगाड़ देता है और बिगड़ी को बना देता है, ये काम सिर्फ अल्लाह का है। अगर माना जाए कोई और भी ऐसा करता है, वो शिर्क फिल तसर्रुफ का मुर्तकिब। अच्छा, शिर्क फिल इबादा का मतलब ये, जितने भी मरासी में उबूदियत है, रुकू सजदा नजर व नियाज, सारी चीजें इबादत से मुतालिक है, अगर किसी गैरुल्लाह के लिए हो तो ये शिर्क फिल इबादा। लेकिन इसको जरा फैला कर देखा जाए तो इबादत के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती है। एक तो ये भी शिर्क फिल इबादा है कि कोई मौलवी, कोई मुफ्ती, कोई आलिम, कोई पीर, कोई फकीर कोई बात कह दे, आप उसको बिला तहकीक अल्लाह की वही समझ करके अगर आप मान लें तो गोया आपने एक और शारे मान लिया। यह भी दर हकीकत शिर्क फिल इबादा है। दलील यह हदीस पाक, वान अदी इब्न अबी हातिम قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب فقال اطرح عنك هذا الوثن يا عدي اطرح عنك هذا الوثن وسمعته يقرا في سوره براءه اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله فقال اما انهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا اذا احلوا لهم شيئا استحلوا واذا حرموا عليهم شيئا حرموا رواه الترمذي في كتاب التفسير حضرت امام الترمذی اس پوری حدیث کو ایسے کتاب التفسیر کے اندر لائے راوی جیسے کہ معلوم ہوا حضرت ادی ابن حاتم یہ حاتم تائی کے بیٹے ہیں عیسائی تھے ایمان نہیں لائے تھے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے کہتے ہیں کہ میں آیا اتيت النبي صلى الله عليه وسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا وفي عنقي صليب من ذهب اور میرے گلے میں سونے کی صلیب تھی کراس میڈ آف گولڈ کراس تھا کراس یہ عیسائی لوگ متبرک مانتے مقدس مانتے اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اسی طریقے کے صلیب کے اوپر اسی کراس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دی گئی جبکہ ہمارا عقیدہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے وہ قرب قیامت میں تشریف لائیں گے ابھی مرے نہیں ہیں وہ اور وہ آسمان میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں ان سے ملاقات کی تو میرے گلے میں سونے کا کراس تھا جیسے میں آپ کی خدمت میں آیا آپ نے فوراً کہا یا عدی اطرح عنک ھذا الوثن اے عدی اس بت کو اتار دے اس بت کو اتار دے میں یہ کہتا ہوں کہ سونے کی یہ جو صلیب ان کے گلے میں لٹک رہی تھی سونے کی یہ صلیب
इसको आपने बुत क्यों कहा? बुत वसन, वो सोने की सलीब है, अगर कोई आदमी गले में डाल ले तो क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता? फर्क पड़ता है इसलिए कि मामला सिर्फ क्रॉस का नहीं है वो, बल्कि उस क्रॉस के साथ जुड़े हुए एक अकीदे का मामला है। क्रॉस का मामला नहीं है बल्कि क्रॉस से जुड़े हुए एक अकीदे का मामला है कि ये क्रॉस अगर गले में लटका लिया जाए तो इससे आदमी बलाओं से महफूज रहता है। देखिए, तवक्कुल जो अल्लाह पर होना चाहिए वो तवक्कुल सलीब के ऊपर। पता ये चला कि अल्लाह के अलावा अगर कोई आदमी किसी पर तवक्कुल करता है, इसको आल्सो शिर्क, इसे भी शिर्क कहा जाता है। इसी वजह से कहा गया फाबुद्धु व तवक्कल अलैहि, अल्लाह की इबादत कर उसी पर तवक्कुल कर। गोया अगर आदमी किसी और के ऊपर तवक्कुल कर ले तो यह शिर्क है। दलील के तौर पर मैं एक हदीस पाक पेश करता हूं। حديث اسراء وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سهر ومن سهر فقد اشرك ومن تعلق شيئا اوكل اليه رواه النسائي في كتاب الايمان وشرائعه। حضرت امام نسائی رحمه الله اس حدیث کو نسائی شریف کے اندر کتاب الایمان کے اندر ایسے لائے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں। حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی نے گرہ لگائی, यह है गिरह लगाना, यह गिरह लगाना, और गिरह लगाने के बाद उसमें फूंक मारा, उसने छू बांध दिया, अकीदा क्या हुआ? इसमें जो उसने फूंका है वो बंद हो गया। अब उसको क्या करता है? यहां बांध लेता है। अब इसका तवक्कुल उसी गिरह के ऊपर आ गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया शिर्क है ये, इसलिए कि जैसे वहां सलीब का मामला नहीं है बल्कि सलीब से जुड़े हुए अकीदे का मामला है, ऐसे ही मामला या सिर्फ गिरह का नहीं है बल्कि उस गिरह से जुड़े हुए शिर्की या अकीदे का मामला है, इसी वजह से उसको शिर्क कहा गया। मन अकद उकदतन तुम मन नफसफिया फकसार, होया कि ये गंडा बनाना दुरुस्त नहीं है, जायज नहीं, शिर्क है वो। ومن تعلق شيئا وكيل اليه, اور جس آدمی نے جو چیز لٹکائی اللہ کے رسول نے فرمایا وہ اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اگر تو نے دھاگے کے اوپر بھروسہ کر لیا ہے, جا دھاگا تیرا کیا بنا دیتا ہے, بگاڑ لیتا ہے, تو جان۔ اللہ اکبر۔ اچھا یہ تو معاملہ رہا گنڈے کا, گنڈا ایسے بنایا جاتا ہے نا, ایسے بناتے ہو۔ ارے بھینسوں کے گلے میں گنڈے دیکھے ہم نے, مولوی صاحب ذرا گنڈا بنا دیجئے, کاہے کے لیے؟ بولے بھینس دودھ نہیں دیتی ہے۔ بتائیے مسلمان کہاں سے کہاں آ گیا, مسلمان کہاں سے کہاں آ گیا۔ میں ایک بات پوچھتا ہوں, توپ کس لیے بنائی جاتی ہے؟ توپ مکھی مارنے کے لیے کہ قلعہ کی فصیل توڑنے کے لیے؟ قلعہ کے دروازے توڑنے کے لیے ٹینک بنائے جاتے ہیں, توپیں بنائی جاتی ہیں تاکہ توپوں سے قلعہ کی دیواریں, قلعہ کی فصیلیں گرا دی جائیں, دیوار توڑ دی جائیں اور دروازوں کے اندر ہول کر دیا جائے۔ اب کوئی اس توپ سے مکھی مارنے لگے تو کہیں گے اتنا بڑا احمق دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا کوئی۔ قرآن کے ساتھ یہی معاملہ ہو رہا ہے آج کل۔ قرآن, اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله, اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتے تو پہاڑ اللہ کی خشیے سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ پاور ہے قرآن کا۔ اب بتائیے اتنے پاور فل امر سے, اتنے پاور فل امر سے, اتنی پاور فل چیز سے معمولی معمولی کام لے رہے ہیں, گنڈے میں پھونک مار کر بھینسوں کے گلے میں ڈانگ دیا گیا۔ یہ مسلمان, یہ قرآن حکیم کی توہین ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عظیم الشان کلام کی توہین۔ اور جتنی توہین مسلمان کر رہا ہے قرآن حکیم کی, میرا خیال ہے کہ غیر اس کا عشر عشیر بھی توہین نہیں کر رہے۔ اقبال نے صحیح رونا رویا, بولتا ہے بآیا تشترا کار جزی نیست کہ ریاسین تو آسان بمیری, اللہ کی آیتوں کے ساتھ مسلمانوں کا بس اتنا ہی تعلق رہ گیا کہ کوئی مرنے لگے
तो उसके सिरहाने बैठकर सूरह यासीन पढ़ दो ताकि आराम से मर जाए। अरे बताओ, जो किताब जिंदगी देने के लिए आई हो उसे मारने के लिए पढ़ा जाता है? पढ़ दो, जरा आसानी से मर जाए। कुरान हकीम फरमाया गया सूरह यासीन में, लियुंदिर मन कान हय्यन, ताकि इस कुरान के जरिए जिंदों को डराया जाए। अरे ये कुरान जिंदों के लिए है, पढ़ पढ़ करके मुर्दों को दे रहे। बंदे तेरे लिए है ये कुरान, वो तो गया जो कुछ लेकर के जाना था उसको चला गया, ये कुरान तेरे लिए, जिंदों के लिए कुरान है। एक जिंदा चीज जिंदा लोगों के लिए, ये मुर्दा चीज नहीं है कि मुर्दों के लिए इस्तेमाल की जाए। जिंदा है ये कुरान हकीम, जिंदा। क्यों जिंदा है? मैं एक बार बोलता हूं कि इंसान जिंदा क्यों है, लेकिन बदन में रूह है, रूह निकाल दिया जाए तो मर जाएगा वो, इसी वजह से कुरान हकीम में कुरान को रूह कहा गया। वो कदा लिखा वो है ना ही नहीं कि रूह हम मिन अमरिना, अरे हमारे हबीब हमने आपकी तरफ रूह वही की है, रूह है ये कुरान। अब बताइए, रूह जिंदगी देने के लिए होती है, इसको मारने के लिए पढ़ रहे कि सूरह यासीन पढ़ दो आराम से मर जाइए, जाना आसान हो जाए। बाया तश्तरा कारे जुजी ने इसके यासीन तो आसम अबीर, तो ये मामला गंडे का था और गंडा ऐसे बनाया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका तरीका बताया कि इस तरीके से गंडा बनाते हैं लोग, शिर्क है ये। मन अकादा उकदतन, जिसने गिरा लगाई, सुम्मा नफसा फिया, उसमें फूंका, छू, नफ्स माने छू करना, छू, ये गंडा हो गया, तो इसको शिर्क कहा आपने, शिर्क। क्यों? इसलिए जिस तरह सलीब का मामला नहीं बल्कि उससे जुड़े हुए अकीदे का मामला था कि तवक्कुल कि बलाओं से महफूज रखने की ताकत है इस सलीब के अंदर, ऐसे ही इस गिराह से भी एक अकीदा जुड़ा हुआ है कि ये गिराह बलाओं से महफूज रखने का एक जरिया है, एक आला। शिर्क है ये, तवक्कुल के खिलाफ है। ये तो रहा गंडा, आइए एक हदीस और देखते हैं। हदीस हदीस इस तरह, वान उकबत इब्न आमिर जोहनी रजी अल्लाह तआला हु अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्बल इलै रहतुन फबाया तिसअतन व अमसका वाहिदिन फकालू या रसूलुल्लाह बायात तिसअतन व तरकत हादा قال ان علی تمیمه فادخل يده فقطعها فبايعه وقال من علق تميمه فقد اشرك رواه احمد في مسنده حضرت امام احمد بن حنبل رحمه الله اپنی حدیث کی کتاب مسند احمد کے اندر یہ روایت اسی طریقے سے لایا راوی جیسا کہ معلوم حضرت عقبہ ابن عامر جوہنی ہیں حضرت عقبہ ابن عامر جوہنی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پورا گروہ آیا 10 آدمیوں کا آپ نے 9 کے لیے اپنا ہاتھ بیعت کے لیے بڑھا دیا नौ ने बैत कर ली फबाया नौ ने बैत कर ली तो एक को छोड़ दिया आपने उसने हाथ बढ़ाया लेकिन आपने हाथ अड़ा लिया लोगों ने पूछा या रसूलल्लाह बाया तत्तीसातम उतारक तहारा नौ से आपने बैत के लिए हाथ बढ़ा दिया इसको छोड़ दिया आपने अरे कहा देखते नहीं हो इसके ऊपर तावीज है नारे तमीमतन अरे तावीज बांधे हुए मैं बैत के लिए अपने हाथ कैसे बढ़ा दूं तावीज बांधे हुए ये जब उस आदमी को मालूम हुआ तो उसने अपना हाथ डाला अंदर यहां यहां लटकाए हुए थे शायद तो अदखल यदहू अपने हाथ को उसने अंदर दाखिल किया फकताहा उसे काट करके फेंक दिया उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि अच्छा अब तमीमा नहीं है तावीज नहीं इसके गले में आपने हाथ बढ़ा दिया बैत के लिए फबायाहू इसने बैत कर ली और उसके बाद आपने एक उसूल बताया मन अल्लक तमीमतन फकत अशरक जिस आदमी ने तावीज लटकाई उसने शिर्क किया अब देखिए आप इसलिए कि मामला किस तावीज का नहीं है बल्कि उसके साथ जुड़े हुए उस अकीदे का है कि यह तावीज बलाओं से आदमी को महफूज रखती है मामला तावीज का नहीं उससे जुड़े हुए अकीदे का है कहते हैं कि चावल हलाल या हराम हलाल बोले शक्कर हलाल या हराम हलाल है पानी हलाल या हराम हलाल है अल्लाह ने पानी हलाल किया शक्कर हलाल है चावल हलाल है बोले आग का इस्तेमाल करना बोले जायज है कहते कि चावल हलाल शक्कर हलाल पानी हलाल अब अगर शीरनी बना ली जाए तो वहां भी कहता हराम अरे भाई उसको कौन हराम कह रहा है हराम हुरमत उसमें नहीं है हुरमत दाखिली नहीं है हुरमत खारिज से आई है कि शीरनी को आपने किसके नाम पर मंसूब किया है कि ये शीरनी इनके नाम है अगर ये शीरनी इनके नाम से है तो ये हमारी बिक्री बना देंगे देखिए मामला शीरनी का नहीं है ये हुरमत दाखिली नहीं है हुरमत खारिजी है और इसी हुरमत खारिजी की वजह से इसके ऊपर हराम होने का हुक्म लगाया मामला चावल का नहीं है
मामला शक्कर का नहीं है, मामला पानी का नहीं है, मामला आग का नहीं है, बल्कि इस शीरीनी से जुड़े हुए उस अकीदे का मामला है। गोया अकीदा ही बड़ा अजीब गरीब है, लिहाजा नजरसानी किया जाए अकाइद के ऊपर। तो देखिए, वहां ताबीज लटकाए हुए था, तब तक आपने हाथ नहीं बढ़ाया बैत करने के लिए। जब उसने ताबीज काट दी, तब आपने हाथ बढ़ाया। अब उस हदीस की तरफ आइए। हजरत अदी इब्ने हातिम ईसाई हैं, अभी ईमान नहीं लाए, बाद में ईमान लाए। वो कहते हैं कि मैं आया, अतैतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया, वो फी उनुकी सलीब मिन दार। आजकल लड़के क्या है, लड़की बनने के चक्कर में, ये भी गले में वो लड़कियों की तरह वो सोने की चैन डाले रहते हैं। तो जायज नहीं है, सोना मर्द के लिए जायज नहीं है। अब लड़के कहीं यहां बांधे रहते, कड़े बांधे रहते, कहीं गले में लटकाए रहते। ये सोने का सलीब पहने हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, या अदी, इतना हादल वसन, ये बुत को अलग कर दे। अरे वो बुत है, वो तो सोने का एक सलीब है। हाँ, लेकिन उसको आपने बुत कहा, बुत इसलिए कि मामला इस बुत का नहीं है, मामला सोने की सलीब से जुड़े हुए अकीदे का है, उस तार का है, जो तार जुड़ा हुआ है इस सलीब से, क्रॉस ऑफ गोल्ड से, उस तावीज से, उस गंदे से जुड़ना। समझ में आया? कॉन्टैक्ट यानी निस्बतें बड़ी अहम होती है, निस्बतें बड़ी, बाप दादा से निस्बतें बहुत अहम है, लेकिन बाप दादा अच्छे होने चाहिए। अगर बाप दादा गुमराह हो तो उनकी इत्तेबा जायज नहीं है। हाँ, बाप दादा अगर मुवहिद है तो उनकी इत्तेबा लाजिम। दलील, अब क्या क्या बोलूं थोड़े से वक्त में, मौजू तौहीद का है, मौजू शिर्क की तरदीद का है, एक फैला हुआ मौजू, मैं समझ नहीं पाता हूं कि कहां से शुरू करूं, कहां शुरू कहां खत्म वाला मसला है। चलिए समेट देते हैं, निकाल दे आदि इस बुत को, सोने के सलीब को फेंक दो। और हजरते, अब आगे बात कही जा रही है, बहुत गौर से दो बातें बताना चाह रहा हूं। हजरत अली फरमाते हैं, मैंने तो वो क्रॉस ऑफ गोल्ड जो सलीब था सोने का फेंक दिया, आपने अपनी जबान से कोई बात कही तो मैंने कान लगाकर सुना, वो समय तो मैंने सुना कि आप कह रहे थे सूरे बरात की एक आयत, सूरे तौबा की एक आयत पढ़ रहे थे, वो समय तो यक्रोफी सूरत बरात, सूरे बरात की एक आयत पढ़ रहे थे आप, क्या इत्तखदू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह, इन्होंने अपने मौलवियों को, अपने उलमा को और अपने पीरों फकीरों को अल्लाह के अलावा रब बना लिया है। हजरत अदी ने कहा, अल्लाह के रसूल क्या बोल रहे हैं आप, हमने अपने उलमा को माबूद कहां बनाया, हम उनको सजदा थोड़ी करते, हम उनको रुकू थोड़ी करते, हम उनको माबूद थोड़ी मानते, और आप कह रहे हैं रब बना लिया उनको, हम तो उनको रब नहीं बनाते, मैं तो ईसाई हूं, हमने तो रब नहीं बनाया। आपने फरमाया, एक बात बोलता हूं, उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल हमारी नहुं लम यकून याबुदून हूं, उनकी इबादत कौन करता था, मौलवियों की इबादत कौन करता था, पीरों और फकीरों की इबादत कौन करता था, उलमा की इबादत कौन करता था, लेकिन अल्लाह के रसूल आप कहते हैं कि रब बना लेना, गोया कि रब बना लेना यह इबादत है, तभी तो कह रहे हमारी नहुं लम यकून याबुदून, रब बना लेना इबादत। अल्लाह के रसूल, हम तो उनको सजदा नहीं करते, तो रुकू नहीं करते। आपने फरमाया, एक बात बोलो, अगर मौलवी तुम्हारा आलिम, तुम्हारा पीर किसी चीज को हलाल कहता था तो बिला दलील के उसको हलाल मान लेते थे? बोले हाँ अल्लाह के रसूल, ऐसा तो था। किसी चीज को अगर तुम्हारा आलिम हराम बोल देता था तो बिला तहकीक उसको तुम हराम मान लेते थे? बोले हाँ अल्लाह के रसूल। कहा कि यही तो रब बना लेना है, इसका मतलब इबादत सिर्फ इसको नहीं कहते कि आदमी किसी को सजदा करे, किसी को रुकू करे, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला का जो हुक्म है, शरीयत है, शरीयत के अंदर किसी को शरीक कर ले तो ये भी शिर्क है। इसी वजह से अरबाब मिन दूनिल्लाह कहा गया, अल्लाह के अलावा रब बना लेना, और फिर इबादत का तस्करा वहां पर आया। तो कितने अकसाम समझ में आए शिर्क की? बुनियादी दो किस्में, शिर्क फिल ज़ात, शिर्क फिल सिफात। शिर्क फिल सिफात की चार किस्में, शिर्क फिल इल्म, जैसा इल्म अल्लाह का, किसी और का भी है, शिर्क फिल इल्म, जैसा अल्लाह करता है वैसा दूसरा भी करता है। शिर्क फिल तसर्रुफ, शिर्क फिल इबादा, इबादत करना अल्लाह की, उसके अंदर किसी को शरीक करना, शिर्क फिल इबादा। और एक है शिर्क फिल आदत,
सिख विलादत। क्या हो रहा है, क्यों भाई हथेली खुजला रहे हो? कहा कि यार दाई हथेली सुबह से खुजला रही है, कुछ पैसा आने वाला है। सिख विलादत, बाई हथेली में खुजली हो रही है, मैं परेशान हूं सुबह से, कुछ हाथ से जाने वाला है, कुछ नुकसान होने वाला है, सुपरस्टिशन है ये, वहम है ये। गाड़ी लेकर जा रहे, बिल्ली रास्ता काट गई वापस आ गया, या बिल्ली रास्ता काट गई चला गया और कोई हादसा हो गया, तो कह उठता है कि चूंकि बिल्ली रास्ता काट गई थी इस वजह से यह हादसा हुआ। गोया उसने बिल्ली को अल्लाह तबारक व ताला के एक असर के अंदर शरीक माना, इसलिए के हादसा अल्लाह के हुक्म से होता है। बिल्ली मुस्तकीम की हिदायत और कोई नहीं, वो क्या है, उसका अपोजिट क्या है? आइए चलिए वो आयत देख लेते हैं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, बहुत प्यारा इस्तिदलाल है, बहुत ही हसीन और बहुत ही गहरा इस्तिदलाल है। चलिए वो आयत पहले पढ़ लेते हैं। वतिल्का हुज्जतुना आतैनाहा इब्राहीम अला कौमिही نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا كُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ استدلال ہے، در حقیقت پوری آیت کریمہ کی روح یہی ہے۔ کیا؟ کہ 18 پیغمبروں کا نام علی ترتیب گنوایا گیا اور پھر ان کے آبا کا، ان کی ذریت کا، ان کے بھائیوں کا حوالہ دیا گیا، اور اس کے بعد کہا گیا وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ، ہم نے ان سب کو صراط مستقیم کی ہدایت دی۔ اچھا، یہ صراط مستقیم کی ہدایت کیا ہے؟ آگے بتایا گیا ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، یہ وہی ہدایت ہے جو اللہ اپنے خاص بندوں کو عنایت کرتا ہے۔ اور خاص بندے میں نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ عباد کی اضافت ہی کی طرف ہے، جیسے عبدہی میں اسرا بعبدہ۔ یعنی ایک ایک ترقی، وہ میں قرآن حکیم کے اعجاز پر بحث نہیں کر رہا ہوں، ورنہ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے۔ بہرحال ایک اعجاز تو یہی ہے۔ اللہ نے فرمایا ذالک ھدی اللہ یھدی بہ من یشاء من عبادی ولو اشرکوا، اگر یہ 18 کے 18 پیغمبر شرک کرتے تو ان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے۔ شرک کا اپوزٹ کیا نقل کیا گیا؟ ہدایت۔ یعنی سب سے بڑی ہدایت توحید ہے، یہ سب سے بڑی ہدایت توحید ہے، یہ روح ہے اس آیت کریمہ کی۔ اس لیے کہ ہدایت کے عین اپوزٹ ولو اشرکوا ذکر کیا گیا ہے۔ ذالک ھدی اللہ یھدی بہ من یشاء من عبادی ولو اشرکوا، ہدایت کے بعد شرک کو ذکر کیا گیا، اس کا مطلب شرک کا عین اپوزٹ یہ ہدایت اور سب سے اعلیٰ درجے کی ہدایت توحید ہے۔ اچھا، یہ تو میں نے استدلال کیا، کس بنا پر؟ ایک حدیث پاک کی روشنی میں۔ چلیے اس عجیب و غریب نقطے کو ایک حدیث پاک سے متعین کرتے ہیں، کہ یہ میرا اپنا استدلال نہیں بلکہ حدیث پاک بالکل واضح اور صریح ہے۔ حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأمه قل لا الہ الا اللہ اشہد لک بها یوم القیامہ قال لولا ان تعیرنی قریش یقولون انما حمله علی ذلك الجزع لا قررت عینک فانزل اللہ تعالی انک لا تهدی انک لا تهدی، پھر بولتا ہوں، انک لا تهدی من احببت ولکن اللہ یشاء۔ دیکھو حضرت کا ذہن پہنچ گیا، میں کیا استدلال کرنا چاہتا ہوں۔ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بسترے مرگ پر ہیں، اس بیماری میں مبتلا ہیں جس سے وہ جانور نہیں ہو سکے، اور اس دنیا سے چلے گئے۔ اب لوگ آ رہے ہیں، مل کر جا رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، مل کر جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے اور آپ کے سرے بالی بیٹھ گئے، تاکہ چچا ایک بات بولنی ہے، کہا کہ بولو میرے بچے۔ قال رسول
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले अम्मे ही अम्मा हमारे अंकल चाचा ने चाचा से बोले एक बात बोलनी है तो बोले मेरे बच्चे कहा कि कुल ला इलाहा इल्लल्लाह आप ला इलाहा इल्लल्लाह बोल दीजिए यानी तौहीद का इकरार कर लीजिए आप बोले फायदा बोले इसी तौहीद की वजह से मैं कयामत के दिन आपकी गवाही दूंगा जी बोले मेरे बच्चे मैं तेरी बात नहीं मान सकता मुझे नार पसंद है आर पसंद नहीं लोग कहेंगे जिंदगी भर ही अपने भतीजे के दीन पर नहीं रहा मरते मरते डर के मारे भतीजे का दीन कबूल कर लिया तो मेरे बच्चे मैं तेरा दीन कबूल नहीं कर सकता और वो अपने बाप दादा के दीन पे मर गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी तकलीफ हुई कि मेरा चचा जिससे मैं मोहब्बत करता था और चचा मुझसे मोहब्बत करता था देखो बाप दादा के दीन पे चला गया शिर्क के ऊपर मर गया। आप बड़े दिलगीर हुए आपकी तसल्ली के लिए आए थे करीमा नाजिल हुए इन्नकल्ला तहदी हमारे हबीब आप हिदायत नहीं दे सकते जिससे आप मोहब्बत करें हिदायत नहीं दे सकते बोले तो तौहीद नहीं दे सकते। देखिए यहां हिदायत समरा तौहीद है इसलिए कि मामला तौहीद ही का चल रहा है ना मामला तौहीद का चल रहा है शिर्क के ऊपर उठ गए और यहां इन्नकल्ला तहदी कहा जा रहा है इसका मतलब आला दर्जे की हिदायत अगर कोई है तो एहदिनस सिरातल मुस्तकीम में जो आला दर्जे की हिदायत की दुआ मांगता है इंसान सूरह फातिहा में वो यही है कि अल्लाह तौहीद के ऊपर जिंदगी भर चलाना और जिंदगी भर मेरी जिंदगी में कहीं शिर्क ना आ जाए। बहुत खतरनाक चीज है पूरा अमल जाया हो जाता है पूरा अमल तबाह बर्बाद हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई कि असल हिदायत जिसकी हम दुआ मांगते हैं हर नमाज में वो दर हकीकत शिर्क की तरदीद और तौहीद के हुसूल और जिंदगी भर उस पर जमे रहने की दुआ करते हैं। इससे बड़ी हिदायत और क्या हो सकती है। और अजीब बात तो यह है कि हिदायत का आईना पूर्ण जलालत है और एक आयत करीमा में शिर्क को जलालत कहा गया है जो हिदायत का आईना पॉजिटिव है। दलील दलील यह आयत करीमा ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا صرف ضلال نہیں ضلال بعید ہے۔ اچھا یہ دور کی گمرہی کیا ہوتی ہے ایک ہوتی ہے گمرہی ایک گمرہی ہے بولے دور کی گمرہی یعنی اگر یہ گلاس گمرہی ہے تو اس کو دور لے جا کر کے رکھو تو اس کو کیا بولتے ہیں دور کی گمرہی یہ مطلب ہے اس کا ہاں और मैं समझा तो जलाले बाईद किसको बोलते दूर की गुमराही किसको बोलते। एक आदमी को धुलिया आना है अब एक बस खड़ी हुई है उस पर लिखा हुआ है कि ये मनमाड़ जा रही है मंजिल क्या है उसकी धुलिया। अब वो मनमाड़ वाली बस में बैठ जाता है जाहिर है गुमराह हो गया गुमराह रास्ता गुम राह गुम हो गई उसकी धुलिया की ये गुम राह का मतलब हुआ गुम राह रास्ता गुम कर दिया उसने मंजिल का मंजिल क्या है धुलिया और बैठ गया है मनमाड़ की बस में। अब बोलिए ये धुलिया है वो मनमाड़ है ये बस खड़ी हुई है बीच में मंजिल उसकी धुलिया है अब ये बस इधर चलती है बस से अब बोलिए जितनी मर्तबा उसका टायर घूम रहा है मनमाड़ जाने के लिए धुलिया से आदमी उतना ही दूर होता जा रहा है कि नहीं इसको कहते दलाले भाई दूर की घूम रही इसको कहते दूर की घूम रही जितने कदम उसके मनमाड़ की तरफ बढ़ रहे हैं उसकी जो हकीकी मंजिल धुलिया है उससे उतना ही दूर होता चला जा रहा है। इसी को कहते एक रास्ता जन्नत की तरफ जाता है एक रास्ता जहन्नम की तरफ जाता है। अगर आदमी तौहीद की बस में सवार ना हो शिर्क की बस में सवार हो जाए तो शिर्क की बस डायरेक्ट जहन्नम की तरफ जाती है और उसकी जो हकीकी मंजिल है मकसूद जन्नत है। जितनी तेज और जितने कदम उसकी सवारी जहन्नम की तरफ बढ़ रही है जन्नत से उतना ही दूर बढ़ता चला जा रहा है। दैट इज कॉल्ड ज़लाले बईद। कुरान हकीम ने इसी को कहा है वमन युशरिक बिल्लाह फकद ज़ल्ला ज़लालन बईदा जो शिर्क करता है वो ज़लाले बईद में पड़ गया दूर की गुमराही में चला गया। बहुत ही खतरनाक शय बहुत ही खतरनाक है। एक चीज और बता दूं
शिर्क फिल इबादा का एक और मतलब भी बता देता हूं। अभी याद आया, किसी को पुकारना मुसीबत में, यह शिर्क फिल इबादत है। गौर से सुनो, बहुत ही अजीबोगरीब बात और बहुत ही प्यारा इस्तिदलाल। किसी को पुकारना, अच्छा एक शुभा और दूर कर दूं मैं, शुभा ये कि एक शिप पानी का जहाज समुंदर में कहीं भटक गया है, अब उसको रास्ता नहीं मिल रहा है। अब वो क्या करता है, वायरलेस उठाता है कैप्टन और करीबी बंदरगाह से अपना रब्त कायम करता है वायरलेस से, कहता है कि अरे भाई हमारा जहाज समंदर में भटक गया है, जरा हमारे हेल्प के लिए, हमारी मदद के लिए कोई क्रू, कोई अमला भेजो जो हमें बचाए। अब आप देख रहे हैं इस तरीके का हेल्प लेना जायज है, इसलिए कि ये मातहतला स्वभाव है, बीच में मोबाइल है, बीच में मोबाइल है, बीच में वायरलेस है जो हमारा रابطہ कायम कर देता है करीबी बंदरगाह से। बीच में जो रابطے की चीज है वो वायरलेस है, बीच में जो रابطے की चीज है वो मोबाइल है। लेकिन अगर बीच से इस मोबाइल को और वायरलेस को हटा दिया जाए और शिप वाले पुकारने लगे, जाहिर है कि माफ़ का लसबाब है, जायज नहीं है। ऐसे ही एक आदमी वहां खड़ा हुआ है और मैं कहूं भाई पानी ले आना, जायज है, इसलिए कि मेरी आवाज उस तक पहुंच रही है, सबब मेरी आवाज उस तक पहुंच रही है। अब अगर वो मेरी मदद कर रहा है तो ये मातहतला स्वभाव है, इसलिए कि मेरी आवाज सुना। और यहां से कोई आदमी दुनिया से चला जाए, बरजख में पहुंच जाए, जाहिर है कि वो हमसे दूर हो गया। अगर कोई आदमी उसके पास मोबाइल भी रख दे कब्र में, अब यहां से डायल करे, क्या आवाज आएगी, क्या आवाज आएगी, दिस मोबाइल डज नॉट एग्जिस्ट, ये दूसरा आलम है, ये दुनिया नहीं है, ये दुनिया नहीं है, दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, ये नंबर यहां नहीं लगता, ये कब्र है ये, और कब्र नहीं ये बरजख है, ये बरजख। इस आलम से दूसरे आलम में चला गया, उसके बाजू में मोबाइल रख दो तो मोबाइल नहीं लगेगी, आवाज आएगी, दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, ये नंबर यहां नहीं लगता, ये दूसरा आलम है। ऐसे ही एक आदमी जो मेरी आवाज सुन सकता था, मैंने उससे पानी मांगा या कोई चीज मांगी, उसने दे दिया, हेल्प के लिए पुकारना जायज है। लेकिन वही आदमी अगर कब्र में चला गया, दूसरे आलम में चला गया, अब उसको नहीं पुकार सकते आप, इसलिए कि वो मर गया। जिंदा था तो वो मदद के लिए आ सकता था, हाथ हिला सकता था, पैर हिला सकता था, कान से सुन सकता था। आपके हवाले से एक बड़ा प्यारा इस्तिदलाल, मैं एक आयत करीमा पर गौर करता रहा, अल्लाह ने फरमाया इन्नका ला तुस्मउल मौता वला तुस्मउस समद, गौर से सुनो, मेरी तकरीर सुनने के लिए काफी किताबें पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद तकरीर समझ में आ जाती है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं समझाने के लिए। अल्लाह ने फरमाया तुम मुर्दों को नहीं सुना सकते, ठीक है, उसके बाद क्या कहा गया, वला तुस्मउस सुम्मत दुआ, तुम बहरों को नहीं सुना सकते। मैं सोचा करता था ये ठीक है, इन्नका ला तुस्मउल मौता, मुर्दों को नहीं सुना सकते, ये बाद में क्यों कहा गया, वला तुस्मउस सुम्मत दुआ, आप बहरों को नहीं सुना सकते। बाद में ये पता चला कि इन्नका ला तुस्मउल मौता दर हकीकत एक दावा है, और वला तुस्मउस सुम्मत दुआ उसी दावे की दलील है। क्या तुम मुर्दों को नहीं सुना सकते, ये एक दावा है, ये दलील, दलील वो बहरा है कि बहरे को नहीं सुना सकते। अब मैं पूछता हूं, ये आदमी बहरा है, बोले ये चलता है, चलता है, बोले काम करता है हाथों से, काम करता है, आंखों से देखता है, देखता है, शादियां भी करता है, बीवी बच्चे भी हैं, है, टहलने वेले भी जाता है, मां बाप की खिदमतें भी करता है, बोले हां सब करता है। अब पूछा जाए कि ये सुन क्यों नहीं सकता, सारे काम कर लेता है मगर सुन नहीं सकता, क्यों, इसलिए कि मैंने इसके कान ले लिए, इसके कान ले लिए। अल्लाह फरमाए रहा कान ले लूं तो नहीं सुना सकते, पूरी जान ले लूं तो कैसे सुनाओगे,
मुर्दे का तो सब कुछ खत्म हो गया ना। नहीं समझ में, नहीं समझ में। इन नकला दुश्मन मऊता, कम से कम बहरे के पास कान के अलावा सब कुछ है, यहां तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। और अगर है भी तो उस किस्से की तरह है। एक बूढ़े हजरत मर गए थे, और बूढ़े जब मर जाते हैं बहुएं भी अगर अल्लाह की नेक बंदी नहीं है तो बोझ समझती है, बुढ़ा टेंटे करता रहता है कब दफान हो, कब घर का वो मकाम वो प्लेस खाली हो। हैं, बुढ़ा मर गया, बुढ़ा मर गया, सबसे पहले बहू आई, लगता है हजरत टेम बोल गए, लेकिन अब भी उसको शक है कि हजरत मरे कि नहीं मरे। अब डॉक्टर को बुलाया गया, अब डॉक्टर साहब तशरीफ ला रहे हैं, आला वाला लिए हुए। अब डॉक्टर साहब भी हमारे डॉक्टर साहब की तरह थे, मजा ही आ, वो कहने लगे, अब सारे घर वाले जमा हुए, डॉक्टर साहब क्या बात है? डॉक्टर साहब बोले, इसके पैर बिल्कुल सही सलामत हैं, इसके हाथ भी बिल्कुल वैसे के वैसे हैं, इसकी आंखें भी वैसी की वैसी हैं, इसकी पूरी बॉडी वैसी की वैसी। बहुत जल करके बोलती है, अरे डॉक्टर साहब जब सब कुछ वैसा है तो क्या हो, क्या गया? कहा थोड़ी सी जान निकल गई है। अरे थोड़ी सी जान निकल गई, वही तो असल थी, थोड़ी सी जान निकल गई। अरे थोड़ी सी जान नहीं, वही तो असल थी। वो जब तक थी तब तक पैर हरकत में था, वो जब तक थी तब तक हाथ हरकत में था, वो जब तक थी तब तक आदमी खाता पीता था, शादी ब्याह करता था, उसके निकलने के बाद कुछ नहीं रह गया। आ गया कान ले लूं, बाकी सारी चीजें, कान ले लूं तो नहीं सुना सकते, पूरी जान ले लूं तो कैसे सुनाओगे? इन्नका ला तुस्मउल मौता वला तुस्मउस सुम्मा दुआ इदा वल्लो मुदबरीन। तो मुर्दों को नहीं सुना सकते, दलील है, तुम बहरों को नहीं सुना। आप देखो अल्लाह ने फरमाया, والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير। शिर्क लाया गया है, इस्तिदलाल यही करना था, इस्तिदलाल यही करना था कि ये लोग कितमीर के भी मालिक नहीं है। What is the meaning of कितमीर? कितमीर कहते हैं खजूर है, खजूर के छिलके को निकालो, ऊपर वाले हिस्से को, गूदे को निकाल दिया आपने, आप गुठली के ऊपर देखो तो एक बारीक झिल्ली होती है, गुठली के ऊपर बारीक झिल्ली, ये बारीक झिल्ली को कितमीर कहा जाता है। उसकी कोई खाता थोड़ी आदमी उसको झिल्ली को भी हटा देता है, ये काम की नहीं है। अल्लाह, ये मेरे अलावा जिन जिन को पुकार रहे हैं ये मदद के लिए, ये कितमीर के मालिक नहीं है। अरे भाई, जिससे काम लिया जा सके, अगर आदमी उसका मालिक हो तो चलने जैसा हो, आदमी एक बेकार है जिससे आदमी काम नहीं लेता, उसका भी मालिक ना उसको पुकारने का क्या होता है। अल्लाह, कुरान हकीम शिरकी की तरदीद इतने हसीन अंदाज में करता है, तबीयत झूम झूम जाती है। और कुरान हकीम का एक अदना तालिब इल्म, अल्लाह 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 अल्लाह, बहुत हैरानी होती है। अल्लाह फरमाता है, वल्लज़ीन दुउन मिन दूनिही मा यमलिकून मिन कितमीर, ये कितमीर के भी मालिक नहीं है, जिसको आदमी कोई अहमियत नहीं देता, खाता नहीं, कोई इस्तेमाल नहीं करता। इन तदउहुम ला यस्मउ दुआकुम, अगर तुम उनको पुकारो तो तुम्हारी पुकार नहीं सुन सकते, वलौ समिउ मा इस्तजाबू लकुम, अगर सुन भी ले तो तुम्हारी बिगड़ी नहीं बना सकते। वयौमल क़ियामति यकफुरून बिशिर्ककुम, और क़यामत के दिन ये तुम्हारे शिर्क से इनकार करेंगे। इसका मतलब अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी को मा फौकल असबाब तरीके से पुकारना दर हकीकत शिर्क है, यह भी शिर्क फिल इबादा है, यह भी शिर्क। यौमल क़ियामति यकफुरून बिशिर्ककुम वला, और आखिर में अल्लाह फरमाता है, ये जो मैं खबर दे रहा हूं ऐसा खबर देने वाला और कोई तुम्हें नहीं मिलेगा। क्या हसीन अंदाज़ है, बोलेंगे अल्लाह 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 ये फरमाए, अरे तेरी तो हर बात हक है, तू जो बोल दे मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ, कहने की क्या जरूरत कि मुझ जैसा कोई नहीं मिलेगा, यकीनन तुझ जैसा कोई नहीं मिलता। वला युनब्बिउका मिथलु खबीर, ये शिर्क के बारे में सारे हकायक मुझसे अच्छा बयान करने वाला, बताने वाला और तुम्हें कोई नहीं मिलेगा, ये अल्लाह फरमा रहा है। वला युनब्बिउका, कितना प्यारा अंदाज है, अरे सुन लो, पढ़ लो कुरान को, ताकि
ताकि तुम्हें मालूम हो जाए कि तुम्हारा रब तुमसे क्या बोलता है, तुम्हारा रब तुमसे क्या कहता है। ये भाई टाइम तो हो गया ना, टाइम अभी हजरत को भी 10 मिनट तो 10 मिनट तो रह गया। अरे अब चरखा चल गया तो बहुत लंबा हो जाता, बड़े अजीब हो गरीब इस्तिदलाल भाई, आना पड़ेगा फिर से आना पड़ेगा मुकम्मल करने के लिए इस बात को। अच्छा अच्छा तो किसी को पुकारना भी माफा कल इसबाब तरीके से शिर्क है। एक बात बोलूं, दुनिया में सबसे बड़ी बेवफाई क्या है? सबसे बड़ी बेवफाई कि औरत अपने शौहर को छोड़ करके किसी गैर के बिस्तरे पर चली जाए, ये सबसे बड़ी बेवफाई है। बराबर, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रसूल के जरिए इस हकीकत को एक जगह वादे फरमाया है। मैं चाहता हूं कि वो हदीस आपके सामने पेश करूं। हदीस इस तरह, वान वर्रादिन كاتب المغيرة عن المغيرة قال قال سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتعجبون من غيرة سعد والله لا أنا أغير منه والله أغير مني ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا أحد أحب إليه العذر من الله ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين ولا أحد أحب إليه المدحة من الله ومن أجل ذلك بعد الله الجنة رواه البخاري في كتاب التوحيد حضرت امام بخاری رحمه الله اس حدیث پاک کو ایسے کتاب التوحید کے اندر لائے اور عجیب بات تو یہ پوری حدیث کے اندر توحید کی تے نہیں ہے اور شرک کی شین نہیں ہے لیکن امام بخاری کے فقہات دیکھیں کہ اس کو کتاب التوحید میں لا رہے ہیں پوری حدیث میں کہیں توحید کی تے نہیں ہے اور شرک کی شین نہیں ہے مگر اس کو کتاب التوحید میں لا رہے ہیں کیا ہے اس حدیث میں حضرت مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ سعد بن عبادہ ایک بہت پیارے صحابی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سعد بن عبادہ وہ کہتے ہیں اگر میں کسی آدمی کو اپنی بیوی کے ساتھ خلوت میں دیکھ لوں تو آئی ول کل بوتھ آف دیم دونوں کو سونپ دیتا میں دونوں کو مار دوں گا آئی ول کل ہم مار دیتا اس کو میں لو رأیت رجلا مع امرأتی لضربته بالسیف آئی ول کل ہم وتھ مائی سورڈ اپنی تلوار سے اس کو مار دوں ختم کر دوں گا اس کو غیر مصفحین معافی کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا دو باتیں ایک تو اس کو جینے کا حق نہیں دوسرے اس کو معافی کا بھی حق نہیں ہے کہ اسے معاف کیا جائے دو چیزیں ایک تو موت کا مستحق ہے جینے کا مستحق نہیں ہے اور دوسرے معافی کا مستحق نہیں اچھا یہ دو باتیں کہی گئی لضربت بالسیف غیر مصفحین لضربت بالسیف مار دوں گا غیر مصفحین معاف نہیں کروں گا ٹھیک ہے معافی کا مستحق نہیں اور اسی عفو کا مستحق نہیں اور موت کا مستحق ہے ٹھیک ہے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی فبلغ ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ کی یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی آپ نے فرمایا اتعجبون من غیرت سعد سعد کی غیرت پر تمہیں تعجب ہوتا ہے خدا کی قسم اللہ کی قسم میں سعد سے بھی زیادہ غیرت مند ہوں برابر اور اللہ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے بتائیے ایک عام آدمی سے زیادہ غیرت مند صحابی ہوتا ہے اور صحابی سے زیادہ غیرت مند رسول ہوتا ہے اور رسول سے زیادہ غیرت مند اللہ تبارک و تعالیٰ ہے بتائیے ایک عام آدمی جب یہ برداشت نہیں کر سکتا تو اس کی بیوی اس کو چھوڑ کر کے کسی غیر کے پاس چلی جائے تو بتائیے جس کے جمال غیرت سے یہ پوری کی پوری کائنات نورانی ہوئی ہے بھلا وہ غیور ذات کیسے برداشت کر سکتی ہے جب آدمی ایک عورت کے اندر کسی مرد کی شرکت گوارا نہیں کر سکتا اس کو قتل کا مستحق سمجھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بندگی اور عبادت میں کسی کو کیسے شریک کر سکتا ہے اس کی غیرت کیسے اس بات کو تسلیم کر سکتی ہے کہ اس کی عبادت میں کوئی شریک ہو اور اسی وجہ سے اس حدیث پاک میں بڑی عجیب و غریب یہ بات فرمائی گئی کہ دنیا میں دو ہی بے وفائیاں ایسی ہیں جو ایک دوسرے کے لیے مثال بن سکتی ہیں ایک شرک ہے اور دوسرے عورت کی بے وفائی ہے اسی وجہ سے الزانی لائن کو الا زانی اتن مشرک کا شرک اور ذرا دونوں کو ایک ساتھ لگا اس کا مطلب نہیں زانی مشرک ہو جاتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے بلکہ اگر مثال میں کسی کو پیش کیا جا سکتا ہے دو چیزیں آپس میں ایک گہری مماثلت اور گہری مشابہت رکھتی ہیں تو یہ دونوں چیزیں ہیں دنیا میں یہ دو بے وفائیاں ہیں
अब बताओ, एक आदमी ये गैरत मंद आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी बीवी में कोई गैर मर्द शरीक हो, तो अल्लाह तबारक व तआला की गैरत कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि उसकी इबादत में कोई शरीक हो। जिस तरह वो आदमी उसकी गर्दन मार देने के लिए तैयार है, माफी का सवाल पैदा नहीं होता, ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला मुशरिक को कभी माफ नहीं करेगा। इस आयत करीमा का मतलब वादे होकर के सामने आया कि क्यों माफ नहीं किया जाता, इसलिए कि दुनिया की सबसे बड़ी बेवफाई यही है, इन अल्लाह ला यग़फिरु अन युशरक बिही, बीवी की तमाम खताएं माफ कर सकता है वो शौहर गैरत में। अगर कुत्ते की तरह झाड़ू लेकर पीटे शौहर को, शौहर माफ कर देगा उसे? और मार कुत्ते की तरह मार मार करके अगर बीवी शौहर को घर के बाहर निकाल दे तो उसकी ये गलती और उसका ये मामला, उसकी ये हरकत शौहर माफ कर सकता है, शौहर माफ कर सकता है, मगर उसकी बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। गयूर अगर है तो, गयूर अगर है, इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला बंदे के हर गुनाह को माफ कर सकता है, हर गुनाह को माफ कर सकता है, जैसे बीवी की तमाम गलतियां बड़ी से बड़ी शौहर माफ कर सकता है मगर बेवफाई बंदे, ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला तमाम गुनाह को बख्श सकता है अगर चाहे है? और लेकिन बेवफाई को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो एक सरसरी जायजा लिया हमने शिर्क के एक पहलू का, अभी मेरे सामने इस मौजू का एक फैला हुआ समंदर है, मैं बयान नहीं कर सकता कि मैं कहां से आगे बढ़ूं और कहां तक पहुंचूं, बस बात ही खत्म करूं, आगे फिर देखा जाएगा इंशाल्लाह। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।